अध्याय तीन। क्या हम फिर अपनी पढ़ाई करने लगे, या हमें कितनों की नई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नई लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। और यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इसराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होंगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, मूसा की नाई नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इसराइली उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखें, परंतु वे मति मंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं।